ये कहानी टूनी चिड़िया की है। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी और उसका पति एक राजा के यहाँ पर नौकरी करता था। चिड़िया के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी। काफ़ी दिनों के बाद उसके यहाँ पर एक संतान हो जाती है। वह उसका नाम पिल्लू रखते हैं। अब एक साल गुजरने वाला होता है और पिल्लू का जन्मदिन भी आने वाला रहता है। वह टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है कि सुनो जी, हमारे बेटे का कुछ दिनों में जन्मदिन आ रहा है, तो हम अपने बेटे का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। और फिर वहाँ पर टूनी चिड़िया का बेटा पिल्लू आ जाता है और पिल्लू कहता है कि माँ, मुझे बहुत ही भूख लगी है। तो टूनी चिड़िया कहती है कि हाँ बेटा, मैं तुम्हें अभी भोजन दे देती हूँ। फिर वह टूनी चिड़िया अपने बेटे को भोजन दे देती है और पिल्लू भोजन खा लेता है और फिर वहाँ से अपने दोस्तों में खेलने को चला जाता है। टूनी चिड़िया अपने पति से कहती है कि देखो जी, तुम मंत्री जी से कुछ पैसे उधार ले आओ, हम अपने बेटे का जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे और मैं भी मीनू चिड़िया के पास जाती हूँ। मैंने 6 महीने उनके यहाँ पर काम किया था, उन्होंने पैसे नहीं दिए हैं, तो मैं उनसे भी पैसे लेकर आ जाती हूँ। फिर वह चिड़िया का पति उस मंत्री के घर पर जाता है और मंत्री जी को आवाज़ लगाता है। मंत्री जी की पत्नी दरवाज़ा खोलती है और अंदर से मंत्री जी कहते हैं कि अरे मानव, तुम बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। फिर वह मानव चिड़िया अंदर को चला जाता है और कहता है, मंत्री कहता है कि क्या बात है, तुम अभी इस वक्त तक क्यों आए हो, हफ्ते में तो मुझे एक ही छुट्टी मिलती है। तो वह कहता है मानव चिड़िया कि मैं कुछ काम से आया था। तो वह मंत्री कहता है एक काम करो, यह सामान है, कुछ गेहूँ की बोरियाँ हैं इधर उधर पड़ी है, इन्हें एक जगह रख दो। फिर वह मानव चिड़िया सभी बोरियों को एक जगह पर रख देता है। फिर मंत्री कहता है कि बताओ क्या काम है। तो मानव चिड़िया कहता है कि कुछ दिनों में मेरे बेटे का जन्मदिन आने वाला है और मैं अपने बेटे को गिफ्ट में एक साइकिल देना चाहता हूँ, तो तुम मुझे कुछ एडवांस पैसे दे दो। तो मंत्री कहता है कि देखो मानव, तुम्हारे पे पहले भी एडवांस पैसा है, पहले तुम वो चुका दो, फिर तुम्हें बाद में पैसा मिलेगा और तुम कल से डबल ड्यूटी करना और तुम्हें अभी 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। अब मानव चिड़िया वहाँ से अपने घर आ जाता है। टूनी चिड़िया कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें पैसे मिले? तो मानव चिड़िया कहता है कि नहीं, मंत्री ने मुझे पैसे नहीं दिए, कहा कि पहले ही तुम पर उधार है, पहले वो उधार चुका दो तभी तुम्हें पैसा मिलेगा। फिर मानव चिड़िया टूनी चिड़िया से पूछती है कि तुम्हें मिला? तो वह कहती है कि मीनू चिड़िया ने मुझे पैसा नहीं दिया,
वह मीनू चिड़िया कहती है कि तुम्हारे ऊपर मेरे बहुत एहसानात है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। और फिर टिल्लू वहाँ पर आ जाता है और वह अपनी माँ से कहता है कि मम्मा, मैं अभी मेरे दोस्त के जन्मदिन की पार्टी से आ रहा हूँ। मेरे दोस्त के यहाँ उसके पापा ने उसे बहुत ही बड़ा केक लाकर दिया था, तो क्या तुम भी मुझे बड़ा सा केक लाकर दोगी? तो टूनी चिड़िया कहती है, हाँ बेटा, मैं अपने बेटे के लिए अच्छा बड़ा सा केक ला दूँगी। फिर टूनी चिड़िया अपने पति मानव चिड़े से कहती है कि जाओ तुम बनिए से कुछ ब्याज पर पैसा ले आओ। तो वह फिर मानव चिड़ा बनिए के पास जाता है और बनिए से कुछ पैसे उधार लेकर आ जाता है और साथ में एक केक भी ले आता है। अब टूनी चिड़िया कहती है कि तुम केक ले आए हो? तो मानव चिड़ा कहता है कि हाँ, मैं केक ले आया हूँ। और फिर मानव चिड़ा टूनी चिड़िया से कहती है कि तुमने सभी पक्षियों को निमंत्रण दे दिया? तो टूनी चिड़िया कहती है कि हाँ, मैंने सभी पक्षियों को निमंत्रण दे दिया है। फिर सभी पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। अब मीनू चिड़िया को टूनी चिड़िया की खुशियाँ देखी नहीं जाती है। फिर वह कमरे में जाती है और उस केक को ज़मीन पर गिरा देती है और फौरन पक्षियों के पास आ जाती है। आप सभी पक्षी कहते हैं कि चलो भाई, केक वेक काट लो। तो वह टूनी चिड़िया कहती है, हाँ भाई, मैं अभी केक लेकर आती हूँ। वह टूनी चिड़िया कमरे के अंदर जाती है, लेकिन केक तो ज़मीन पर गिरा हुआ होता है। अब वह टूनी चिड़िया बहुत ही उदास होती है कि सभी पक्षी आ गए हैं और केक मांग रहे हैं और केक तो ज़मीन पर गिर गया है। फिर वहाँ पर एक लूसी कबूतरी आ जाती है और वह कहती है कि टूनी, क्या हुआ? तो टूनी चिड़िया कहती है कि देखो, यह केक ज़मीन पर गिर गया है और अब सभी पक्षी आ गए हैं। तो लूसी कबूतरी कहती है कि बहन, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी एक दूसरा केक लेकर आती हूँ। फिर लूसी कबूतरी एक दूसरा केक लेकर आ जाती है और फिर सभी पक्षी केक खाने लगते हैं और पिल्लू का जन्मदिन अच्छे से मना लेते हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।